हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स। क्या है ये लास्ट टॉपिक्स? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस टॉपिक के बिना आपका ये चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट नहीं होने वाली है। अब क्या है इस चैप्टर में? आपने अक्सर देखा होगा मोशन से रिलेटेड, मोशन के चैप्टर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। या फिर यू कैन ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, मैंने इस तरफ वेलोसिटी लिख दिया, इस तरफ टाइम लिख दिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपको देखने को मिले होंगे। ये तो मैं वाइट पेपर पे, वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन आपको जो ग्राफ्स मिलेंगे उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स रहेंगे, नहीं भी हो सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन रहेंगे। तो आपने ऐसे ग्राफ्स ज़रूर कहीं ना कहीं अपने बुक्स में या जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा इस टाइप के ग्राफ्स। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। इसको देख के हमारे दिमाग में अक्सर ये चलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्या है, ये डिस्टेंस इस तरफ लिख दिया गया, टाइम लिख दिया गया और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अक्सर बच्चे इसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज इसके क्लास में मैं इन्हीं ग्राफ्स को, मोशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जितने तरह के ग्राफ्स होते हैं, उन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इससे रिलेटेड किसी भी तरह के कन्फ्यूजन आपके दिमाग में इसके बाद ना बचे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं तभी हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएगी। जिन बच्चों ने मोशन के पहले पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैंने इसके पहले 5 से 6 वीडियोज़ मोशन के चैप्टर पर और भी पहले से बनाए हुए हैं। जिन बच्चों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक इज द वेरी फेमस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई एम श्योर आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, ये आपके बुक्स में भी गिवन है, और आज मैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो ये सबसे वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्राफ्स है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द सेम डिटेल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों होता है, व्हाट इज़ द यूजेज, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम एक एक्सिस में, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक एक्सिस में, दैट इज़ नॉर्मली एक्स एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को शो करते हैं, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को शो करेंगे एंड वाई एक्सिस में टाइम को शो करेंगे। टाइम इस तरफ आगे बढ़ेगा एंड डिस्टेंस ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। अब बहुत ये तो बात मैंने समझा दी, बट बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है भैया, डिस्टेंस इस तरफ है, टाइम इस तरफ है, लेकिन एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है। तो मैं आपको समझा दूं और बेहतरीन तरीके से बता दूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। ये एक ऐसा ग्राफ है, ग्राफ तो आप लोग सब समझते ही होंगे, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्लॉक्स आपने देखा ज़रूर होगा। ये एक इस टाइप का ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, विच शोज़ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी, विच शोज़ द पोजिशन एंड वेरिएशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम। यानी कि कितने टाइम पे, कितने डिस्टेंस को बॉडी कवर कर रहा है, कितने समय पे, कितने टाइम पे, कितने डिस्टेंस को बॉडी कवर कर रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये धीरे धीरे टाइम के वेरिएशन के साथ दिखाता है कि जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है उस तरह धीरे धीरे डिस्टेंस किस हिसाब से वेरी करता चला गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन होती है कि किस टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या है, किस टाइम पे बॉडी किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कहाँ तक आगे बढ़ रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है।
पर्पस मेन समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। पर्पस समझ लेने के बाद काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर्पस क्या है? टू शो द डिस्टेंस, टू शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, टू शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस और पोजिशन ऑफ बॉडी, टू शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस और पोजिशन ऑफ बॉडी विथ टाइम। यानी कि टाइम तो बदलता ही जाएगा, आपको पता है कि टाइम तो रुकने वाला है नहीं, टाइम धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। तो टाइम के साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ डिस्टेंस या जो बॉडी का पोजिशन है उसके वेरिएशन को जो ग्राफ शो करता है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम लोग, फिर से मैं आपको बता दूँ, इसमें हम लोग वाई एक्सिस में, आपको याद होगा ग्राफ्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस नीचे की तरफ एंड वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। तो इस केस में हम लोग वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे हम लोग शो करते हैं, ये तो बात हो गई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, क्या शो करते हैं, लेकिन अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे शो करते हैं, एक एक डिटेल में आइए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ ऑफ टू टाइप्स मेजरली। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को क्लास नाइन्थ में जहाँ तक पढ़ना है, ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन विल बी ऑब्वियसली, अगर फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन का है तो दूसरा क्या होने वाला है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला हमारा जो ग्राफ होने वाला है वो यूनिफॉर्म मोशन का है, एंड द सेकंड वन इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं दोनों आपको डिटेल में बताता हूँ, दिखाता हूँ कैसे हम लोग शो करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, दैट इसमें वाई एक्सिस में हम लोग क्या शो करते हैं, वाई एक्सिस पे इन जनरल, देखो आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन वाई एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं टाइम को, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, इस तरफ टाइम है एंड इस तरफ डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ये हम लोग कौन से केस में बना रहे हैं, ध्यान देंगे, ये हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के केस पे बात कर रहे हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का जब भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, व्हेनेवर वी ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लेट मी शो यू, ये हमेशा किस फॉर्म में आने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन के। इसके पहले मैंने जब यूनिफॉर्म मोशन आपको पढ़ाया था, याद होगा यूनिफॉर्म मोशन का वीडियो एक था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैंने बताया था दैट द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी आपके पास आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का केस आएगा, अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ उसका कैसा होता है, यू विल हैव टू सिंपली से दैट द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर दूसरे तरीके से आपको दिखा दिया जाए दैट दिस इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान देंगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये नहीं कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दे दिया गया उसमें स्ट्रेट लाइन है, आप बोल दिए यूनिफॉर्म मोशन, नहीं, आपको देखना है ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपको शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, देन दैट इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, किस में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? द अदर केस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी केस होगा, ये टाइम मैंने शो कर दिया और इधर ऑब्वियसली क्या होगा? डिस्टेंस, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा क्या होता है, द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व्ड पाथ। ये आपको कैसा मिलता है? कर्व्ड पाथ मिलता है, एंड इन दिस केस यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको हमेशा फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड इन द अदर वन यू विल ऑलवेज गेट अ कर्व्ड पाथ। तो कभी भी आपसे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पूछा जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करके पूछा जाए दैट अगर ये कर्व्ड पाथ है तो ये किस टाइप का मोशन है, तो दिस इज डेफिनेटली द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड अगर स्ट्रेट लाइन है देन दिस इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बात, इसका वन मोर इम्पॉर्टेंट पर्पस
टू शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस और पोजिशन. ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल व्यू के हिसाब से कि इसका एक्चुअल यूजेज क्या है. अब मैं इसका न्यूमेरिकल यूजेज और न्यूमेरिकल पर्पस पे आता हूँ. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्पस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस अगर मैं डिस्कस करूँ, तो दैट इज़ टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी. टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो यूजेज है, दैट इज़ टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी. आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही किसी भी बॉडी का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. आपको दिख रहा है दैट y एक्सिस इज डिस्टेंस, x एक्सिस इज टाइम. एंड हम सबको पता है दैट डिस्टेंस बाय टाइम गिव्स अस स्पीड. डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या देता है, स्पीड देता है. सो इफ़ वी कैलकुलेट y एक्सिस किसी भी एक पॉइंट पे, अगर हमसे पूछ दिया जाए किसी भी एक पॉइंट पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 सेकंड्स दिया हुआ है, दिस इज 10 सेकंड्स. 10 सेकंड के बाद का हम लोगों से अगर स्पीड पूछ दिया जाए और हम इस पॉइंट का 10 सेकंड के बाद इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है. ठीक है, हम लोग इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, दिस पॉइंट ए, एंड ओरिजिन को नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं ओ. तो आप देख सकते हैं 10 सेकंड के बाद डिस्टेंस के क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होने वाली है. डिस्टेंस कवर्ड हम लोग ओ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे, ये पैरेलल है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, ए बी. डिस्टेंस कवर्ड क्या है, ए बी है, स्ट्रेट में हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड हमें मिल रहा है ए बी. हम लोग स्पीड कैलकुलेट करने आए हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ए बी बाय टाइम कितना है, आप यहाँ से कंसिडर करेंगे ओ से बी तक का टाइम है जितना भी है, सो टाइम इज़ ओ बी. सो ए बी बाय ओ बी, आप जिस भी पॉइंट पे कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, आप सिंपल क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस जो है उसका वो ए बी, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस इसने कवर किया है, आप यहाँ से कंसिडर करोगे ना. ठीक है, आप इसको ए बी को ए बी की जगह आप इसे ओ से भी यहाँ तक के लिए कंसिडर कर सकते हैं अगर आप पैरेलल ड्रॉ कर दो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास डायरेक्टली ए बी है, तो ए बी कंसिडर कर लिया क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इक्वल होने वाला है ए बी बाय जो टाइम कवर्ड टाइम गिवन था वो ओ बी. सो ए बी बाय ओ बी आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस बाय टाइम का केस हो गया, दैट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड. क्लियर है, तो इस तरीके से आपके पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, आप आसानी से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको एक बात बताते चलूँ दैट इन अ ग्राफ व्हेनेवर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, आप कभी भी वाई बाय एक्स किसी भी ग्राफ में अगर निकालते हो किसी एक पॉइंट पे, देन दैट इज़ कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द ग्राफ. किसी भी पॉइंट पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर आप y बाय x निकालते हो, जो कि हम लोगों ने यहाँ किया है, y का वैल्यू बाय x का वैल्यू फाइंड कर दिया, देन दैट इज़ नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. और आप इस केस में देख सकते हो दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मिल रहा है स्पीड ऑफ आ बॉडी. तो हम लोग लिख सकते हैं दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम लोगों को स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, अब तो आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा, दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट इज़ वाई बाय एक्स डिस्टेंस बाय टाइम से हमें मिलता है स्पीड. तो आप आसानी से लिख सकते हो दैट एट एनी पॉइंट, आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर देखोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, अगर आप उसका स्लोप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, देन आपको क्या मिलने वाला है, स्पीड. ठीक है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है. हमेशा जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो, देन प्लीज़ मेंशन दैट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. इस पॉइंट पे इस बॉडी की क्या स्पीड है वो बता दी जाएगी. तो आप यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैंने समझा दिया दोनों तरीके से. और आपको साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू द स्पीड. आई होप ये पूरा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका पर्पस आपको समझ आ गया होगा.
कितने टाइप्स के मोशन हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये समझ आ गया होगा, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मीनिंग होता है, स्पीड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर वी मूव फर्दर टू अनदर टाइप ऑफ ग्राफ, उसके पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड ही कुछ छोटे 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 फैक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं। जब भी दिस इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ जिसे हम लोग कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ से बॉडी स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से हम लोग ये 0 सेकंड्स लेते हैं, ये 0 मीटर्स लेते हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ से एक बार बॉडी स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा, इसका मतलब क्या है, ऐसे ग्राफ का क्या मतलब है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इस तरीके से दे दिया जाए? इसका ये मीनिंग है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है। देखिए टाइम इस तरफ चेंज होता है और डिस्टेंस ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वैरी होता है। इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस वैरी ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है बॉडी से, इट मीन्स दैट द बॉडी इज़ एट रेस्ट। बॉडी किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ से अगर कभी भी स्टार्ट हो रही है बॉडी, कुछ और मीनिंगफुल बातें मैं बता दूँ इससे रिलेटेड, यहाँ से अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है इसका मतलब है दैट द ग्राफ इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ये 0 मीटर से कर रहा है एंड 0 सेकंड से कर रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट करने का ये मीनिंग है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी ऑलरेडी आगे से मूव कर रही है, यानी पहले से इसने काफ़ी डिस्टेंस कवर किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बॉडी ने कुछ डिस्टेंस पहले कवर किया हुआ है। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि बॉडी ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ओरिजिन से कवर कर चुकी है। इस चीज़ को आप समझेंगे अगर इस टाइप का ग्राफ आपको डिफरेंट टाइप से दे दिया जाए। तो मैंने आपको यहाँ पे रेस्ट का केस बता दिया, मोशन तो आप समझ ही रहे हैं, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट इज़ इन मोशन, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तो बात हो गई, अब हमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना इसी से रिलेटेड, सिमिलर केस से रिलेटेड समझना बाकी रह गया है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वैसे ही बिल्कुल सिमिलर आपके लिए जो केस होने वाला है दैट इज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या है, यहाँ डिस्टेंस और टाइम हुआ करता था, इस केस में आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। द ओनली डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो होगा दैट वहाँ स्पीड बाय टाइम जो होता था वो डिस्टेंस होता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो आप निकालोगे वो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका स्लोप क्या देगा, आप साफ साफ लिख दो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे मैंने उसमें बताया था स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड, उसी तरह इसमें स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या मिलने वाला है, इससे गिव्स वेलोसिटी, इसमें आपको स्पीड नहीं मिलेगा, क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिलने वाला है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ये तो हो गई बात स्लोप की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की। अब हमें टाइप से मतलब नहीं, अब हम एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था डिटेल में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हो गया, बट इससे बिल्कुल एक मिलता जुलता सिमिलर थिंग है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में क्या होगा, जैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे बिल्कुल सिमिलरली आप वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम केस होगा। जैसे उसमें मैंने दिखाया था
कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उस केस में क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड हुआ करता था, पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये केस हो जाएगा यूनिफॉर्म, क्या होगा यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, स्पीड नहीं, इस केस में होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है देन इट इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके, अभी जैसे मैंने उसमें आपको दूसरा केस दिखाया था, अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व के फॉर्म में आ गया, अगर ये कर्व के फॉर्म में आ गया तो ये क्या केस हो जाएगा, दिस विल बी अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। हम लोगों ने देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो देख लिया था हम लोगों ने, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देख लिया। साथ ही मैं एक बात और आपसे क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था, एट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम हमें पता था ना, डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता था, स्पीड। वैसे ही इस केस में डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अलावा अलग से पढ़ाने के लिए नहीं है, मैं इसी में आपको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है आप सबको पता है, वेलोसिटी। तो आपसे जब भी पूछा जाए दैट व्हाट डज द स्लोप स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, तो आप आसानी से बोल सकते हो दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको वेलोसिटी देने वाला है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। आते हैं हम लोग अब आगे, एक और ज़रूरी चीज़ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ज़रूर आनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मैंने आपको स्पीड के बारे में तो बता दिया कि अगर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इस तरीके से दे दिया जाए उसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, ध्यान से देखोगे टाइम इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्या डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं, डिस्टेंस जितना था उतना ही कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एट डिस्टेंस इज़ नॉट बीइंग चेंज्ड, बॉडी और कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, यानी कि अगर बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, द बॉडी इज़ एट रेस्ट। तो इस तरह का ग्राफ कभी भी अगर आपको दिखे कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, इफ़ इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द बॉडी इज़ एट रेस्ट, यानी कि किसी भी तरह का मोशन इस केस में नहीं हो रहा है। आई होप ये पूरी तरीके से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने टॉपिक्स तो पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा अपना फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ जो इस केस में हम लोग बहुत फेमस है, एंड दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्टडी स्पीड टाइम ग्राफ, और अगर केस डिस्प्लेसमेंट का रहा तो स्पीड टाइम ग्राफ की जगह क्या होगा यहाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या तो इसे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं या फिर आप इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों इसमें इंक्लूडेड होने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या है ये स्पीड टाइम ग्राफ। अब क्योंकि आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में काफ़ी बेहतर हो चुकी है, हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है। जिस तरीके से लास्ट ग्राफ में प्रीवियस ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करते थे, उसी तरीके से टाइम अभी भी एक्स एक्सिस पे रहने वाला है, इस केस में डिस्टेंस के जगह यहाँ पे स्पीड लेने वाला है, डिस्टेंस के जगह ये एक्स एक्सिस की जगह कौन लेने वाला है, स्पीड लेने वाला है, तो ये क्या हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या है, टू शो द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा मेन पर्पस है। इसके अलावा दो जो न्यूमेरिकल पर्पस हम लोग इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं इसे न्यूमेरिकली, वो दो न्यूमेरिकल पर्पस है, नंबर वन वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ, ये ज़रूर याद रखेंगे हम लोग, इससे क्या कर सकते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके जितने इसके यूजेस हैं हम लोग देखने वाले हैं। नंबर वन मैंने बताया कि वी कैन कैलकुलेट
द एक्सेलरेशन थ्रू दिस, एंड नंबर टू सिर्फ एक्सेलरेशन ही नहीं, हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे दोनों ये पर्पस कैसे कैसे होने वाला है, ये हम लोग दोनों पर्पसेस को देखेंगे एक एक करके कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ के हम लोग, जैसे हम अभी हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे थे, एक यूनिफॉर्म मोशन का एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग तीन टाइप के ग्राफ्स देखने वाले हैं। पहला जो हमारा टाइप है दैट इज़ नो एक्सेलरेशन। देखते हैं नो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको दिखाया था, अगर एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए मेरा पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होगा, आप कंसिडर कर लो ये स्ट्रेट ही मान लो इसको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके का शो किया था, उस केस में बॉडी क्या होता था, हम लोग कंसिडर करते हैं दैट द बॉडी इज़ एट रेस्ट। बट यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। इस केस में क्या होगा, बॉडी रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम तो है और बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, इसका मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, वहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट था, यहाँ क्या है स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगी इसका मतलब क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब होता है दैट देर इज़ नो एक्सेलरेशन। अगर बॉडी अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह का एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है, देर इज़ नो वेरिएशन इन स्पीड। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बॉडी मूव तो पक्का कर ही रही है, बॉडी मूव कर रही है क्योंकि स्पीड इसका कांस्टेंट है बट ये टाइम के साथ मूव कर रही है। क्लियर है, इस केस को हम लोग बोलते हैं नो एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, आई एम नॉट रूलिंग आउट अ पॉसिबिलिटी, दिस माइट बी ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। बट इस केस को मेजरली हम लोग क्या बोलेंगे, नो एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है इस बॉडी की, कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैं आपको करेक्शन दे दूँ कि इस केस में ऐसा हो सकता है, स्पीड हो सकता है बॉडी की जीरो हो और जीरो स्पीड को कांस्टेंट रखी हुई है, तो नो एक्सेलरेशन तो होगा साथ में नो मोशन भी होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मेरे बोलने का ये मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। इसका बस एक ही मीनिंग है दैट द बॉडी इज़ मूविंग और नॉट मूविंग, वट एवर द बॉडी इज़ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, जिस स्पीड पर पहले थी उसी स्पीड पर अभी भी है, देर इज़ नो वेरिएशन इन स्पीड, दैट इज़ इसका मतलब क्या हो गया, नंबर वन तरीका क्या है, नो एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन में किसी तरह का चेंज नहीं है। अब ये नो एक्सेलरेशन क्यों है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे उस केसेस अभी पहले के केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था दैट डिस्टेंस बाय टाइम, हमें डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड मिल रहा था इसके पहले के केसेस में, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस था वाई में और एक्स में टाइम था। इस केस में आप देखेंगे वाई की जगह क्या है, स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे, मैंने बताया था वाई बाय एक्स गिव्स यू द स्लोप। आप लोग मुझे बताओगे यहाँ वाई के जगह स्पेस पे क्या है, वाई के स्पेस पे स्पीड गिवन है, एक्स के जगह पे क्या है, टाइम गिवन है। और हम सबको पता है कि अगर हम लोग स्पीड बाय टाइम कैलकुलेट करते हैं, स्पीड बाय टाइम का क्या मीनिंग होता है, स्पीड बाय टाइम ऑलवेज गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि इस केस में हमें क्लियर समझ आ गया है दैट द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है। और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, इसमें कोई चेंज ना दिखे, तो ये क्या है, स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है। आपको दिख रहा है ये स्लोप बढ़ नहीं रहा। स्लोप तीन तरीके से हो सकता है, या तो कॉन्स्टेंट, या तो इंक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग। इस केस में क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब नो एक्सेलरेशन, कोई चेंज नहीं। क्लियर है। चलिए ये हम लोगों ने पहला तरीका सीख लिया, पहला टाइप समझ लिया कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। क्या है ये, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। दूसरे चीज़ पे आते हैं हम लोग, अगर स्पीड बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है ना, इन केस अगर इफ़ स्पीड बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग एक और चीज़ लिखते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम लिखा करते थे हम लोग, याद होगा आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखते थे। इसका मतलब ये हो गया, नो, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड बाय टाइम इज इक्वल टू हम लोग डिस्टेंस लिखते थे, डिस्टेंस बाय टाइम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग स्पीड लिखते थे, ठीक है, अब क्लियर होगा। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, हम लोग लिखते थे स्पीड। इफ़ टाइम को हम लोग दूसरे साइड ले जाए, स्पीड इन टू टाइम
इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि पहला चीज़ तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि स्लोप से हमें क्या मिलता था, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम लोग स्पीड इनटू टाइम कर दें, स्पीड इनटू टाइम का मतलब क्या हो गया, ये जो स्पीड, जिस स्पीड पे मूव कर रहे हो और ये जितना टाइम, किसी भी एक इंस्टेंट पे, सपोज़ इस इंस्टेंट पे यहाँ पे 8 सेकंड्स है, इस इंस्टेंट पे हमें पता लगाने बोल दिया जाए कि इसने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप सिंपली एक काम करोगे कि ये यहाँ से इंक्लोज कर दोगे, ये क्या हो गया, एरिया इंक्लोज अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। इतने स्पीड से ये इतने टाइम तक मूव किया, और हमें पता है कि स्पीड, अगर ये जो स्पीड है इनटू टाइम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। स्पीड बाय टाइम तो एक्सेलरेशन था, लेकिन अगर हम इसका ग्राफ स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन देता था, लेकिन अगर स्पीड इनटू टाइम कर देते हो आपको क्या मिलने वाला है, इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलने वाला है। ये बात, ये दो इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल याद रखेंगे, दैट द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, एंड द एरिया इंक्लोज्ड, एरिया इंक्लोज्ड अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस कवर्ड। ये एरिया जो अंदर गिवन है, ये आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आपसे कभी भी अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया गया है, आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, आप आसानी से एक इसके अंदर का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इसका एरिया फाइंड आउट करके बता सकते हो। कैसे एरिया निकालना है, दिस आपको बस इतना बताना है कि ये किस शेप में, दिस इज़ क्लियरली द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल का एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो, लेंथ, जो भी लेंथ यहाँ पे है ओ बी, ये 8 है, और इसका ब्रेथ आप निकाल लो यहाँ पे ओ बी इंटू ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम जो मैं बोल रहा था ओ बी इंटू ए बी हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप आसानी से स्लोप भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, एरिया, वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये तो पहला टाइप ऑफ ग्राफ था कि अगर कॉन्स्टेंट रह जाए तो वो किस केस में आता है, नो एक्सेलरेशन। हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टाइप पे, सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ पे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ होता है वो है, सेकेंड टाइप ऑफ हमारा ग्राफ कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखते हैं कैसे कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जैसे उस केस में हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते थे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में राइज करता था, सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ एक कॉन्स्टेंट रेट से राइज कर रहा है देन दिस इज़ कॉल्ड एज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस केस में क्या था, नो एक्सेलरेशन था। अगर नो एक्सेलरेशन का क्या केस क्या था कि अगर वो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट था। इस केस में क्या है कि स्पीड आपको दिख रहा है धीरे धीरे राइज कर रहा है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ता चला जा रहा है और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है आप देख सकते हो धीरे धीरे। तो ये किस केस में आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आएगा। क्लियर है, ये सेकेंड केस था। एंड अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट केस पे, दैट इज़ अगर ये ना कॉन्स्टेंट रहे और ना स्ट्रेट लाइन में रहे तो तीसरा केस क्या होता है, मैंने उधर भी आपको बताया था थर्ड केस, अगर ये एक कर्व के फॉर्म में रहे, इफ़ द ग्राफ इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। अगर कर्व के फॉर्म में रहे इसका मतलब क्या है कि स्पीड कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पीड कभी कम बढ़ रहा है, ये वेरी बहुत ज़्यादा कर रहा है, और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा वेरी करेगा देन इट इज़ द केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है कभी कम बढ़ जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप ऑफ ग्राफ्स बता दिए स्पीड टाइम ग्राफ में। उसी के जगह अगर आप स्पीड के जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखते हो तो भी ये चीज़ सेम रहने वाली है, एक्सेलरेशन रहेगा। स्पीड टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ कर लो, अगर उसे मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस की जगह क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम लोग समअप कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों को पढ़ा है उसे एक बार क्विकली समअप कर देते हैं, समराइज़ कर देते हैं, जिससे आपके एक बार क्विक रिविजन हो जाए। स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया दैट फर्स्ट पॉइंट स्लोप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, इट गिव्स यू एक्सेलरेशन, स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन। ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है, ये हम लोगों ने पहला इंपॉर्टेंट चीज़ समझा इसमें। एंड दूसरा चीज़, एरिया इंक्लोज्ड, एरिया इंक्लोज्ड अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस। अगर आपको एरिया
आप एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह डिस्टेंस मिल जाएगा। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो दोनों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो पर्पस होने वाला है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये कैसे निकालते हैं, एक स्लोप से और एक एरिया इंक्लोज से। एरिया इंक्लोज्ड अक्सर बच्चे इसमें टेंशन में आते हैं, एरिया इंक्लोज कैसे निकालना, जिस भी शेप में वो गिवन है। अगर वो ट्रायंगल के शेप में है आप ट्रायंगल का एरिया निकालिए, अगर वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है आप रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। अगर इसमें रिलेटेड, इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको किसी तरह का एरिया निकालने में या स्लोप निकालने में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस हर तरीके से हेल्प करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक में गिवन है, आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ में क्या पढ़ा, तीन तरह के स्पीड टाइम ग्राफ्स होते थे। फर्स्ट जो स्पीड टाइम ग्राफ होता था वो ऐसा कॉन्स्टेंट होता था। इसका मतलब क्या था, इस केस का मतलब था नो एक्सेलरेशन, ये केस था नो एक्सेलरेशन। सेकेंड जो केस था वो कॉन्स्टेंटली राइजिंग था, यानी कि ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। और जो थर्ड केस था इसमें ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था, ये एक पैराबोला का केस दिख रहा है। ऐसे कर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कई बार क्या दिया होता है एग्ज़ाम्स में, आपको शेप दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप का है, आप शेप देख के नो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आसानी से बता सकते हो। अब आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड स्लोप को जान लिया। इसके अलावा कैसे डिफरेंट फिगर्स से हम लोग क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ जो ग्राफ होता है दैट इज़ एक्सेलरेशन टाइप टाइम ग्राफ, ठीक है। हालांकि उससे रिलेटेड ज़्यादा काम आपको करना नहीं है, फिर भी मैं क्विक के लिए आपको एक बार बताना चाहूँगा दैट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है और कैसे काम करता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख ही लीजिए, जब इतना सारे चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी एक क्विक बेसिक में हम लोग देख लेते हैं एट व्हाट इज़ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं बस चेक कर रहा था ये आपके बुक में है या नहीं, तो ये यहाँ तो बुक्स में गिवन नहीं है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मैं बस आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ, ये एक्सेलरेशन है इस तरफ टाइम है, कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या राइज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है वो आपको इसमें डिस्कस करना है। इसमें मैं एक जो मेन चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, आप अगर इसके अंडर का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया इंक्लोज्ड अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो भी एरिया अगर आप निकालोगे, आपको पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अगर आप एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा उस टाइम का। तो एरिया इंक्लोज अंडर दिस ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, एरिया इंक्लोज अंडर दिस ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी या स्पीड, जिस टाइप का केस रहेगा। इसके केस में आपको एरिया इंक्लोज जो रहेगा ये बस इसी तरह का आउटपुट आपको मिलने वाला है। बाकी इस क्वेश्चन, इस आप मुझे क्वेश्चन सेंड करिए इससे रिलेटेड, किसी भी तरह की आपको एनालाइजिंग में प्रॉब्लम है। देखिए ग्राफ्स के केस में मेन चीज़ है ग्राफ्स को समझना और ग्राफ्स को डिटेल में एनालाइज करना। आप ग्राफ्स को रट नहीं सकते हो, आप ग्राफ्स को समझिए, एनालाइज करिए, उस हिसाब से एक एक करके क्वेश्चंस देखिए। किसी तरह के ग्राफ को अगर समझने में पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत होती है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आई होप हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के सजेशंस हैं, किसी भी तरह के कमेंट्स हैं, आप सिंपली मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बुक, आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसके अलावा आप अपने बुक के उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, एक बार रिवाइज करिए, इससे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लें, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करके मुझे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इस टॉपिक के बाद आप मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
वीडियो को बंद करने के पहले प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।